दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया थे से हम इस चैनल पे आपको सभी का VVI क्वेश्चन बताने वाले हैं। पार्ट वन और पार्ट टू के एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित हिस्ट्री, ऑनर्स, पॉलिटिकल, साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या और इसी तरह के बहुत सारे ऑनर्स पेपर है और सब्सिडरी पेपर है, सभी का VVI क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो अभी हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का VVI क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 10 को प्रश्न है। ये 200 प्रश्न आप अर्ज क्लियर कर लेते हैं तो आपका ऑनर्स पेपर क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का VVI क्वेश्चन है। हो सकता है एक दो प्रश्न इसमें से सेकेंड पार्ट में भी पूछ दिया जाए, लेकिन यह फर्स्ट पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसी तरह के आज हमारे चैनल पे आप इसका VVI क्वेश्चन का पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो मोस्ट VVI प्रश्न है जो है मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। मांग की लोच की विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे और जो आपका इसको आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है लाभ से आप क्या समझते हैं, शूमपीटर के लाभ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। लाभ से आप क्या समझते हैं, शूमपीटर के लाभ के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न जो है तीसरा नंबर प्रश्न आपको कहता है से मजदूरी क्या है, मजदूरी के मांग एवं उसकी पूर्ण सिद्धांत का वर्णन करने के लिए। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सभी तो मोस्ट VVI है लेकिन उससे भी मोस्ट VVI यह है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है कहता है केन्स के ब्याज तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, केन्स के ब्याज तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, जो पांचवा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है लगान को परिभाषित करें, यानी कि लगान क्या है उसको परिभाषित करने, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसके बाद सातवां नंबर जो प्रश्न है औसत आगमन तथा सीमांत आगमन वक्र की विशेषताओं का वर्णन करें, औसत आगमन तथा सीमांत के आगमन वक्र की विशेषताओं का वर्णन करें, मोस्ट VVI प्रश्न है, सभी 10 के 10। इसके बाद आठवां नंबर जो प्रश्न है वो है पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ये बताना है, ये मोस्ट VVI प्रश्न है आठवां नंबर। इसके बाद है नौवां नंबर उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट VVI प्रश्न है ये भी। और इसके बाद लास्ट बच गया है एक दसवां नंबर एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण का उल्लेख करें। तो ये रहा महत्वपूर्ण 10 प्रश्न इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए, ये इकोनॉमिक्स पार्ट वन के स्टूडेंटों के लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस एग्ज़ाम के बारे में मोस्ट VVI प्रश्नों का लाभ उठा पाए और अपना एग्ज़ाम सही से दे पाए, तैयारी सही से कर पाए, क्योंकि समय बहुत कम है। और इसी तरह के और भी ऑनर्स पेपर, सब्सिडी पेपर का VVI क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल पर, अर्जे नए हैं पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, जो भी VVI क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट का, उसका कमेंट कीजिए, आपको हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे 100%। धीरे धीरे सभी का अपलोड हो जाएगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट वन और पार्ट टू का दोनों का अपलोड कर चुके हैं, और जो उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं और जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले आप हैं तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। अभी तक लेना ही, मिलते हैं फिर किसी VVI प्रश्न के साथ किसी सब्जेक्ट के, तब तक ले लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।